क्या हम SSR केस भूल गए हैं? ये पूछा गया है मुकेश खन्ना जी द्वारा। मुकेश खन्ना जी ने अपने YouTube चैनल द्वारा ये बात रखी है और पूछा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत केस को सब भूल गए हैं। हालांकि उन्होंने रिपब्लिक को इसके कवरेज पर बधाई भी दी और वहीं बोलते हुए दिखे कि अब इस पर क्यों नहीं कोई कवरेज कर रहा है। मुकेश खन्ना जी का ये पूछना है कि शुरू में काफ़ी चैनल्स इस पर कवरेज कर रहे थे, लेकिन अब इस पर कोई कवरेज नहीं कर रहा है। इनिशियली कवरेज जब हो रही थी ये न्यूज़, उस पर उसमें ये निकल के आया कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। हालांकि अब ये केस CBI के पास चला गया है, लेकिन CBI के पास भी गए हुए इस केस को 4 महीने हो गए हैं। ये एक बड़ा केस है और इस पर फास्ट ट्रैक होना चाहिए था, लेकिन अभी भी इस पर कोई अपडेट नहीं आई है। तो क्या है सुशांत सिंह राजपूत केस में, क्या कुछ गड़बड़ मामला है ये जिसकी वजह से अब तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया, ये पूछना है मुकेश खन्ना जी का। मुकेश खन्ना जी ने वहीं एक बात और कही कि क्या लव जिहाद, ड्रग केस, फार्मर प्रोटेस्ट के बीच सुशांत सिंह राजपूत का केस खो गया है, या इस पर कभी भी कोई आजकल कवरेज क्यों नहीं कर रहा, ये पूछना गया है मुकेश खन्ना जी द्वारा। लेकिन वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर द्वारा सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI से मांग की गई, रिया चक्रवर्ती के लॉयर द्वारा अपडेट मांगी गई CBI केस में, और वहीं जिस तरह से कल ट्विटर ट्रेंड किया लव फॉर SSR, तो मुझे मुकेश खन्ना जी को बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस कोई भी नहीं भूला है। इनफैक्ट ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ना महाराष्ट्र के वकील, और ना ही ट्विटर ट्रेंड। तो फिलहाल एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में कल बहुत ही नंबर 1 पर भी ट्रेंड किया लव फॉर SSR, और कल ही अनिल देशमुख और सतीश मानशिंडे के स्टेटमेंट भी आए जो कि पूछते हुए दिख रहे हैं कि क्या है फाइंडिंग्स सुशांत सिंह राजपूत केस में। तो फाइंडिंग्स की रिक्वायरमेंट आना भी कोई मामूली बात नहीं है। तो फिलहाल बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात, कुछ और खबरों के साथ धन्यवाद।